जब देश के पूर्व में बंगाल है तो इसके नाम में पश्चिम क्यों आता है? इसे जानने के लिए पहले बंगाल का इतिहास जानना जरूरी है। बंगाल का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। अंग्रेजों ने 1905 ईस्वी में फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया था, लेकिन लोगों में आक्रोश बढ़ने के चलते 1911 ईस्वी में बंगाल को फिर एक कर दिया गया था। क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में होते हुए भी पश्चिम क्यों कहलाता है? साल 1947 ईस्वी में भारत की आज़ाद होने के साथ ही बंगाल पूर्वी और पश्चिम दो हिस्सों में विभाजित हुआ। पहला था मुस्लिम प्रधान पूर्व बंगाल, जो बाद में बांग्लादेश बना, और दूसरा हिस्सा था पश्चिम बंगाल भारतीय बंगाल, यानी पहले पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश एक ही प्रांत थे। साल 1947 ईस्वी में आज़ादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश का उदय हुआ। साल 1971 ईस्वी के युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बन गया। इसी का पश्चिमी हिस्सा आज पश्चिम बंगाल कहलाता है। एक समय पर आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक ही राज्य बंगाल हुआ करते थे, जो विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बटे। उसके बाद पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया। भारत के इतिहास में बंगाल का अपना अनोखा स्थान है। सिकंदर के आक्रमण के दौरान बंगाल में गंगा हृदय नाम का एक साम्राज्य था। बंगाल में गुप्त और मौर्य सम्राटों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। बंगाल में आधुनिक समय की शुरुआत मुगलों के बाद यूरोपीय और अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बाद हुआ। सन 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत और बंगाल में अपने पांव जमाए। राजनीतिक फायदे के लिए अंग्रेजों ने इस राज्य का विभाजन किया, जिस वजह से लोगों के बढ़ते हुए आक्रोश के चलते कांग्रेस के नेतृत्व में साल 1911 ईस्वी में बंगाल को एक बार फिर एक कर दिया गया। इस सबसे स्वतंत्रता आंदोलन की आग और तेजी से भड़की, जिसका नतीजा 1947 ईस्वी में देश की आज़ादी और विभाजन के रूप में मिला। साल 1947 ईस्वी में आज़ादी मिलने के साथ ही देशी रियासतों के विलय का काम शुरू हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार पड़ोसी राज्यों के कुछ बांग्ला भाषी क्षेत्रों को भी पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया। सत्ता पर काबिज होने के बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल राज्य का नाम बदलने की मुहिम चला रखी है। सत्ता में आते ही उनकी सरकार ने राज्य का नाम पश्चिम बंगाल से बदलकर पश्चिम बंगो करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली। इसका नाम बांग्ला में बांग्ला, अंग्रेजी में बंगाल और हिंदी में बंगाल करने का प्रस्ताव था, लेकिन केंद्र ने इसे भी खारिज कर दिया। सरकार की दलील है, लगातार बढ़ती बेरोजगारी, खस्ताहाल उद्योग धंधे, देशी विदेशी पूंजी निवेश का अभाव और हजारों करोड़ के भारी भरकम कर्ज के बोझ से कराह रहे पश्चिम बंगाल का नाम बदल देने से क्या इसकी मुश्किलें कम हो जाएंगी? राज्य का नाम पश्चिम बंगाल से बदलकर बांग्ला करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित होने के बाद अब यही सवाल पूछा जाने लगा है। वैसे नाम बदलने के लिए अभी इस प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमोदन मिलना बाकी है, लेकिन आखिर सरकार ने नाम बदलने का फैसला क्यों किया? संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी कहते हैं, दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अंतर्राज्यीय परिषद समेत तमाम अहम बैठकों में बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर थक जाती थी। अंग्रेजी में वेस्ट बंगाल वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में लगभग आखिर में आता है। ऐसे में ममता को अपनी बात कहने का बहुत कम समय मिल पाता था, या कई बार तो समय ही नहीं मिल पाता था। वह बताते हैं कि नाम बदलने के बाद राज्य की सूची में इस राज्य का नाम चौथे नंबर पर आ जाएगा। ममता ने राज्य विधानसभा में ये प्रस्ताव पेश करने के बाद कहा, केंद्र ने पहले
के प्रस्ताव पर 2 साल चुप्पी साधे रखी। केंद्र ने पहले के प्रस्ताव को 2 साल चुप्पी साधे रखने के बाद सरकार से कोई एक नाम चुनने को कहा है। हम इस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं चाहते, इसलिए हमने बांग्ला चुना है। यह नाम राज्य की संस्कृति के अनुरूप है। वैसे विपक्षी राजनीतिक दलों ने सरकार की इस दलील को बचकाना करार दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं कि राज्यों के लिए केंद्रीय परियोजनाओं के आवंटन की रकम तय होती है, कोई पहले बोले या बाद में उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। राज्य का नाम बदलने की पहल साल 1999 ईस्वी में लेफ्ट फ्रंट सरकार के कार्यालय में ही हुई थी। तब ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे। उस समय सरकार ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया था। राज्य का नाम बदलने की सरकारी कोशिशों पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया है तो कुछ इसे गैर जरूरी कवायद मानते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।